आ जावे बीबी के अंडे खा जावे। हाँ, आज बेगम साहिबा और मैंने मिलके नाश्ता बनाया है, सबने बताना है कैसा लग गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी दो आई है। वाह दीवा, सारे मेहमान क्या कर रही हो? चाय बना ली है। सारी इधर है या थर्मास में डाली है? अच्छा ठीक ठीक, बनाए नाश्ता करके उन्हें ठंडा है। दुआ बेबी भी उठ के रो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। दुआ करते हैं जो बीमार है अल्लाह पाक शिफा दे, जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर कर दें ताकि आने वाले वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कराना, जुड़े रहना है हमारे साथ वीडियो के साथ। जो भी रूटीन होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना, अम्मी की तबीयत जो है कल से ख़राब है, वो परसों से, तो वो अभी सो रही थी। बेगम साहब को मैंने कहा कि नाश्ता बनाएं, आप ये चाय के साथ नाश्ता करेंगे या और कुछ ले आए थे? अंडे ले आए? हरी मिर्चें नहीं पड़ी? नहीं पड़ी होंगी, ये देखें ये है ना। तो थोड़ी सी नीचे पता करके आता हूँ, पता कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे थोड़े होते हैं ना, हरी मिर्चों से कुछ ज़्यादा और टेस्टी बन जाते हैं। चलता हूँ नीचे पता करता हूँ, हरी मिर्चें हैं तो अंडों में डालेंगे हरी मिर्चें। दुआ भी पी उठ गई है, सुबह सुबह रो रही थी, वो देखे गुब्बारा खा रही है। क्या कर रही हो? ओ गया हूँ गया। इधर से पंखा चल रहा है ना तो हवा आती है, वो उड़ जाता है। ओ ओ ओ ओ गया, पकड़ीता है नहीं। भाग जाता है। फिर हंसने लग जाती है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, शयान अली भी रो रहा है। हाँ जोर से खाओ, खाने की चीज़ है। ओ गया, ये देखो। हाँ पकड़ो इधर से। हाँ ऐसे पकड़ के रखो। ओ फिर छोड़ दिया जी। आ गई है मिर्चा, ये मिर्चा काफ़ी हैं अभी। इधर रख लेते हैं। ओ पैप के ऊपर लत रख दी। उधर से पीछे कोई प्लेट या कटोरी उठा दो। मैं ना मिर्चें धो के ना काटता हूँ जब तक आप ये रोटी बनाए। मिर्चें मैंने धो ली हैं, ये देखें बिल्कुल साफ अच्छी तरह से। ये कुछ पहले की हैं, कुछ न्यू हैं, तो फिर इसलिए है ना ये कुछ खुश्क हुई है कुछ सही है। इसमें भी काटते हैं, बारीक बारीक काटें या कुछ मोटी मोटी? बहुत बारीक बारीक। अच्छा चलो अभी ये काटते हैं, फिर अंडे डाल बनाएंगे ना तो फिर उसमें डालेंगे। मिर्चें जी मैंने काट ली हैं सारी, ये कटोरी बनी है, इतनी सी धो के काट ली। और अभी जो है ना रोटी तैयार हो रही है। ये सारी पका होगी? देखेंगे कितनी हो गई हैं, क्योंकि वो मिसबा और शहबाज भी हैं। पका लेंगे फिर बच जाएगी तो फिर अभी पका लो सारिया। दुआ बीबी भी रो रही है। फरहान को मैंने कहा उठाओ इसको, उठाओ पापे खाएंगे।
आ गए हो, हाथ मुंह धोआए हो, अवेश भी धोआया है, हाथ मुंह धोआए हो, बीबी भी धोआई है। वाह दीवा, क्या खाओगे? वैसे नहीं बोलता, एक गंदा है, इसको अभी बेच आएंगे उधर, नवा इसको बेच आएंगे और उधर परे छोड़ आएंगे। कुल्लू खावे शन, ये बोलता नहीं है ना वाला, कुल्लू खावे शन है। क्या खाओगे? हाँ चाट पापे। ये रोटी उठाओ, इसको डालो, फिर वो पापे उठा दो मुझे, और प्यालियाँ किधर हैं? वो ऊपर नहीं रखे हुए हो उधर, प्याली नहीं उठा दी थी? हाँ चलो बस बस, ये अवेश की चाय और ये तीन पापे अवेश के, और ये शाहदेव के तीन पापे और चाय तीन हैं। हाँ और ये तीन पापे करीम बीबी के और ये चाय हैं। हाँ ये मामूद है। हाँ चलो आप ये खाओ हैं। दुआ बीबी उठी आई है, दुआ बीबी आ गई है, उठी तो कब की हुई थी, फिर रो रही थी, मैंने कहा उठाता हूँ इसको अपनी मम्मा के पास, देख रही हो वो, देखो नाश्ता पक गया सारा, रोटी पका ली, अभी ये अंडे बना रही हो। पहले ये मिर्चें डालोगी या अंडे? अच्छा पहले मोबाइल तोड़ लूं, मोबाइल तोड़ के फिर अंडे तोड़ूंगा। मोबाइल है ये वाली, खुद ही आपने उठा ली है तो मैं क्या करूं? घी अभी ठंडा है, चलो डाल दो ये ऐसे, फिर जो है ना हरी हरी मिर्चें। अंडे किसी बर्तन में तोड़ दूं? रो रही थी इसलिए तो उठा के हूँ, जब आप उठी हो उसके बाद के आप ये उठ गई है इसीलिए रो रही थी, फिर अभी उठा के हूँ, थक गई है। थक गई हो, दुआ फातिमा अभी तो खेल रही हो, खिलती हो, फिर आ रही है ये देखो, मैं काम कर रही हूँ, चंबे दिखेरे हुए हैं, आ रही है आपके पास। किस चीज में तोड़ू इनको? बन गई मिर्चें, जल रही हैं और ये मिक्सचर भी बन गया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आंडे तैयार हो रहे हैं जी, बस थोड़ी देर में आंडे तैयार, आंडे जल्दी पक जाते हैं ना। थोड़ा जोर से बोला करें, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही होगी। हाँ जी, हाँ ऐसे बोला करें। आप सुबह से ऐसे बोल रही हो, आपको मैं चेक कराऊंगा, आवाज़ आपकी होगी नहीं। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा आवाज़ आ रही है। हाँ अब सही आ रही होगी जब आप ऐसे बोल रही हो। कैसे आपको लगता है? बैल हमारा ख़राब है ना, फिर आपको लगता है कि मैं ज़ोर से बोल रही हूँ, आगे से मोबाइल कैच करता नहीं है, फिर थोड़ी आवाज़ होती है, फिर बहन भाई कहते हैं हमें जो है ना समझ ही नहीं आती।
फिर जैसे जितनी हमारी आवाज है नहीं, अब तो सही निकल रही है ना, जब कहता हूँ तो सही होती है, जब पहले नहीं कहता तो फिर स्लो होती जाती है, वॉल्यूम खुद ब खुद क्यों डाउन हो जाता है। क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि अगर किसी ने कहीं जाना हो ना तो दो मिनट तैयार हो जाए। हाँ, दो मिनट में देखे अभी तैयार भी हो गए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सुकून से बैठी है, नाश्ता वास्ता नहीं बनाया? नाश्ता वो देखे चाय बन रही है और आटा गूंद के रखा है, बस थोड़ा सा नाश्ता बनाना है। ये देखे बस अभी आज रोटी बनानी है। हाँ, क्योंकि रोटी अब बनाती हूँ तो फिर दोपहर को लेट हो जाती है ना, तो जो बुजुर्ग हैं वो बेचारे फिर वो भूख से कहते हैं कि हमें बहुत भूख लगी है, आप लोग खाने के लेट कर देते हो। तो 12 बजे गैस आता है, फिर 12 बजे वो सब्जी वगैरह लेते कटे कटाई करते, इस तरह जो है ना फिर कटे थे। वो दादी को और उनको जो है ना ज्यादा भूख लगती है। हाँ, मतलब वो रोटी खाते तो थोड़ी थोड़ी है, आधी हाँ, रोटी, दो रोटियां, डेढ़ रोटी ऐसे खाते हैं, एक तो रोटी। फिर वो कहते हैं कि जब टाइम हो जाए ना फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, ऐसे इसलिए जो है ना थोड़ा सा नाश्ता अभी बना रही हूँ। सालन तो सालन की वजह से नहीं बनाती ना, अभी भी क्या सोच रही थी कुछ अंडे मंगवा लूँ, ये देखो बस इतनी सी सालन पड़ा है। सही है, हमने भी ऊपर अंडे मंगाए, फिर मैं इधर आया था नीचे, कोई उठा ही नहीं था उस टाइम सुबह सुबह। हाँ, फिर वो मैं मिर्चे हरी लेके गया इधर से। अच्छा। सही सही, फिर हरी मिर्ची के साथ अंडे बनाए, बहुत जबरदस्त मजेदार लगते हैं। कुछ थोड़ी सी ऊपर पड़ी थी, फिर कुछ इधर से ले गया मैंने कहा, फिर वो अभी नाश्ता बना रही है बेगम साहब। अम्मी की तबीयत खराब है कल से, वो जो है ना उठी नहीं थी। अच्छा, अभी वो रात दवाई ले नहीं आए थे? हाँ, रात ले आए थे, अभी कुछ बेहतर है, अभी उठी है। पहले सो रही थी तो मैंने कहा बेगम को कि आप बनाओ नाश्ता, अम्मी सो रही है, उसको उठाया नहीं है, नहीं तो तबीयत ठीक होती है ना, वो खुद सुबह सुबह उठ जाती है। हाँ, अभी कुछ बेहतर है, मैंने कहा चलो सही है। चाय आपकी उबलना स्टार्ट हो गई है? मैं इसको बस निकालती हूँ और मैं भी किसी को देखती हूँ, फिर वो हमारे बच्चे अभी तक सो रहे हैं, उनको जगाओ ना। स्कूल नहीं जाते ना, स्कूल की छुट्टी करा दी है। क्यों? उनका सामान नहीं है, बुके वगैरह नहीं है ना, तो न्यू क्लास शुरू हुई तो वो पुराने वाले वो तो खत्म हो गए। ये आजकल ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, पता नहीं क्या मसला है। वो उधर छुट्टी हुई ना वो कासिम हाशिम को, वो तो 5वीं पढ़ गए, फिर वो न्यू स्कूल में दाखला कराया तो उधर भी उन्होंने ऐसे कहा कि भाई किताबें आई नहीं है, वो पुराने वाली किसी के पास पिछली जो क्लासें थी ना उनके पास जब जो पढ़ी थी एक दो वो लेके दे दी हैं, वो अगर सबको किताबें देंगे नहीं तो फिर वो जाते हैं तो फिर वो मारते हैं, ऊपर से सबक याद नहीं करते। वो सबक हम कहाँ से याद करें जब आप हमें बुके नहीं दोगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? इनका भी यही मसला है, कहते हैं टीचर कहती है बुके लेके आओ भला, फिर जो है ना मैंने अल्तावसन को बोला इनको लेके दो जब तक स्कूल में, एक तो वो सर्टिफिकेट भी नहीं दे रही, कहती है मैंने नहीं देना, मान भी नहीं रही, और ऊपर से जो है ना फिर वो सामान नहीं है, बच्चे बेचारे इधर से तो हम भेज देते हैं आगे, वो धूप पे उनको खड़ा करके ना फिर मारती हैं, तो ये तो जान बूझ के बच्चों को जुल्म करने वाली बात है। तो इतनी गर्मी में जो है ना बच्चे जाते हैं, इतनी गर्मी हमारा काम होता है, हम तो दस्ते वगैरह लेके दे सकते हैं, पेंसिल लेके दे सकते हैं, बैग लेके दे सकते हैं, किताबें तो उन्होंने देनी होती है, देनी है बस, वो तो उनका मतलब काम। दूसरा हम लेके भी देते हैं तो फिर वो है कि वो उर्दू में उधर उर्दू की पढ़ाई होती है, मतलब बोलते अल्ताफ सिंह कह रहे थे कि जो जिस स्कूल में हमने इनको दोबारा कराना है ना उधर वो इंग्लिश की हो, इंग्लिश मीडियम। हाँ, तो फिर इन्हें बोला एक अभी ले दें फिर दूसरी बार लेनी पड़ेगी। हाँ, इसमें फिर मैंने बोला जाओ ही नहीं आप जब न्यू स्कूल में दाखिला होगा ना, वैसे भी अब ऐसे पढ़ाई नहीं हो रही खास, ऐसे बस बच्चे जाते हैं, अब छुट्टियां होंगी, छुट्टियों के बाद फिर जाके ना वो पढ़ाई शुरू होगी, तो मैंने सोचा कि आप जो है ना रुक जाओ अभी, फिर कोई और स्कूल में जो है ना पता करवाते हैं
उधर जब दाखला हो जाएगा फिर संभाल लेंगे। सही है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आमीन। आप बनाए नाश्ता, हम भी, हमारा नाश्ता तैयार हो गया होगा। नाश्ता करना है तो आ जाएं, चलते हैं ऊपर नाश्ता करते हैं। वैसे भी माशाल्लाह ऊपर बहुत सारे लोग हैं, काफी सारे लोग हैं। पूरा कर लो पूरा कर लो वो आज जो है ना बेगम साहब और मैंने नाश्ता बनाया है मिलके, हम पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ नहीं, आप लोग नाश्ता करो, हम भी देखें बना रहे हैं नाश्ता। मैं भी अपने जो नीचे बैठे हैं उनको नाश्ता कराना है। नाश्ता पक के रेडी हो गया है जी, इधर ले आए हैं, अम्मी भी उठ गई है, बच्चे भी सारे आ गए हैं। हैं क्यों छेपो को मार काट, ओ मार काट, ओ मार काट, ओ मार काट। हाँ भाई छेपो ओ मार कटा। अच्छा केंदी मार कटा है, के को शेबी को क्या करा, शेबी मंदे कटे दे, मंदे कटी मंदे ना कटा करो। चलें जी अभी इधर बैठते हैं, नाश्ता करते हैं। अंडे, अंडे दे पीछे पाए जाते हैं। चाय भी इधर है क्या, थोड़ी सी पड़ी है, ये तो ठंडी हो गई होगी ले आने का फायदा। हाँ थोड़ी सी है, मतलब मिक्स करके गर्म हो जाएगी। चलो सही है बे। हाँ अब ओके हो गया। अल्लाह जी नाश्ता आ चुका है, किसी को नाश्ता करना है तो आ जावे, आ जावे, आ जावे, आ जावे, बीबी के साथ आ जावे, बीबी के अंडे खा जावे। हाँ सारे आ गए हैं, फरहान भी आ गया है, बेगम साहिबा भी आ गई है। आज बेगम साहिबा और मैंने मिलके नाश्ता बनाया है, सब ने बताना है कैसा लगा है नाश्ता। हाँ अंडे भी हमने मिलके बनाए हैं आज, जो है ना नाश्ता आज का हमारे जो है ना हाथों का मिलके कैसे बनाया, चेक किया है। मर्चों की तो दुश्मन है, मैंने इसको पहले कहा था, मैंने कहा थोड़ी काट लूं, कहती नहीं, नहीं सारी काट लो। वैसे सही है रोटी के साथ सही, वो इसलिए ना अंडे थोड़े थे, हमने कहा ये मिर्चें ज्यादा डालेंगे ना तो अंडे थोड़े थोड़े खाएंगे, फिर रोटी खबीज जाएगी, फिर सही सिस्टम हो जाएगा ना, गुजारा चल जाएगा। ये देखें बंदे ज्यादा हैं अंडे थोड़े हैं, फिर इस वजह से हमें जो है ना ये कदम उठाना पड़ा मजबूरन। चलो अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे जो रूटीन होगी वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे आप सबसे, तो जुड़े रहना है आपने वीडियो के साथ, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अभी आपकी कैसी तबीयत है, हाँ गर्मियाँ ज्यादा हो जाती है ना तो फिर अच्छे भले बंदे का ब्लड लो हो जाता है, बीमार का तो वैसे लो है। आप चेक करो फिर बताओ कैसे लगे, आपको तो मेरे ख्याल में अच्छे लगेंगे ना, आप कहेंगे वाह क्या नाश्ता बना है। सही है मुझे मिर्च, इनको जितना कहो ना भाई मिर्चे थोड़े डाले करो, अगले दिन ये कहेगी मैं डालूंगी नहीं बस, ये ऐसा जवाब आएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कम डाल दे, बच्चे भी खाते हैं। नहीं कहते हैं बिल्कुल कम हो, मैंने कहा फिर डालने का फायदा भी डाले मतलब ये थोड़ी काली मिर्च वाला बड़ा टेस्टी सालन होता है, वो महंगी बढ़िया है, लेकिन हमारे घर में कोई खाता नहीं है इस वजह से भी आते हैं। कराची हम खाते थे, वो महंगी बढ़िया है। नाश्ता कर लिया, हाँ जी अब सफाइयाँ करनी है, चारपाइयाँ डालनी है अंदर, हाँ जी चारपाइयाँ, बिस्तर वगैरह। अच्छा सही है, जल्दी जल्दी कर लो टाइम से, फिर गर्मी हो रही है। हाँ जी
और हमारी सुबह की रूटीन बताना है बहन भाइयों ने कैसी लगी। हमारा ब्लॉग मुकम्मल हो गया, मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। फिलहाल इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।